Hello and assalamu alaikum. I am Sahil Ahmed and you are watching Let's Talk Online. Assalamu alaikum everyone. This is Maryam Murtaza. Welcome to the show. जबरदस्त. तो आज हमारे पास जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही हम जहद शख्सियत हैं और उनका जो है वो एक सिंगिंग एक्टर भी हैं. बहुत अच्छे सिंगर हैं. उनका बैंड रहा है कॉल और उसके अलावा बेशुमार बेहतरीन किस्म के ड्रामे उन्होंने किए हैं. अभी भी उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा चल रहा है जो आप सब बहुत शौक से देख रहे हैं और ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट. हमसे भी लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई कश्यप जो है वो इतना अमेजिंग ड्रामा है, उसके आप जो स्टार्स हैं उनको लेके आए हैं मरियम. और अभी हमने आपकी पुरजोर फरमाइश पे हमने रिक्वेस्ट की जुनैद साहब से, जुनैद खान से, कि आइए ज्वाइन करें, हमसे गपशप करें और साथ में हमारे अच्छे अच्छे ऑडियंस को जो है वो भी आप अपनी सारी बातों से आगाह करें. फिल्म एक्टर, इसके अलावा जो है वो सिंगर एज वेल एंड अ सॉन्ग राइटर, तो वो आज हमें इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे. तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनको लेते हैं अपने साथ और उनसे बातचीत करते हैं फर्दर उनकी लाइफ के बारे में. मेरी मजबूरियों और जुदाई ने तुम्हारे दिलो दिमाग में बहुत सी गलत फहमियां पैदा कर दी है ना. दूर कर दूंगा सारी गलत फहमी, सब ठीक कर दूंगा मैं. कि आपके ख्याल में ये इमरजेंसी थी? मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आ रहा हूं. तुम देख नहीं रहे हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जुनैद खान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सैल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जुनैद, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, फिट लग रहे हैं एकदम. कोरोना में रह के भी आपने खुद को फिट रखा हुआ है माशाल्लाह, दैट्स अ ग्रेट थिंग. बस कोशिश जा रही, कोशिश हम रखते हैं कि अपनी फॉर्म को मेंटेन रखें. हालांकि मैंने पूरी कोशिश की क्वारंटीन में कि घर में जितनी फरमाइशें मैंने करनी थी मिसेस से कि यार ये बना दो ये बना दो, मिसेस ने सब पूरी की. कोशिश मेरी पूरी थी कि मैं अपनी फॉर्म शेप खराब कर दूं, लेकिन शुक्र है कि मैं जो वर्कआउट ने मुझे जो है ना बचा लिया. जुनैद आपसे हम ऑनलाइन बात कर रहे थे, आपने बड़ी अच्छी टिप दी थी कि अगर जिस तरह के अभी रमजान है और फिर ऊपर से कोरोना भी है तो इसकी वजह से जिम्स और सब बंद है, तो आप घर में आपने आपको कैसे फिट रख सकते हैं, अगर एक क्विक टिप हो जाए अभी जल्दी से. यार बिल्कुल, बहुत सी तरीके हैं. देखें अब तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, सब कुछ है हमारे फोन पे, एप्स हैं बहुत सारी. आप ऐप स्टोर खोलें और उसमें आप होम वर्कआउट लिख दें तो आपको मिल जाएंगी, होम वर्कआउट रूटीन्स मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप डाउनलोड करें, मैंने भी किया था फॉलो और मैंने काफी वेट लूज भी किया होम वर्कआउट से. जब जिम नहीं होता तो मैं सारे होम वर्कआउट रूटीन फॉलो करता हूँ, उसमें पुशअप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, चिन अप्स हैं, काफी चीजें हैं. तो आप ना आप एक्सक्यूज ना बनाए कि जी हमें जिम खुला है तो नहीं, आप घर में सब कुछ कर सकते हैं. उसके अलावा डाइट का ख्याल रखें. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रमजान को जो है वो एक फूड फेस्टिवल के तौर पे ना लूं, उसको उसकी जो ड्यू एसेंस है उसमें ही सेलिब्रेट करूँ. तो मेरी कोशिश होती है कि सहरी भी मैं नॉर्मल रखूँ, अफतारी भी मैं नॉर्मल रखूँ और जो उसका रमजान का ट्रू एसेंस है उसको उसमें ही फॉलो किया जाए, तो उससे भी वेट जो है इन चेक रहता है. That's sweet. जुनैद मैं आपके आपकी इस टिप पे अमल करूंगा और फिर मैं आपको दो महीने बाद अपनी फोटो भेजूंगा कि देखिए मैं भी अब जुनैद खान जैसा लग रहा हूँ हैंडसम. ठीक है, जबरदस्त है जी. और से मरियम भी आ गई हैं, वेलकम बैक मरियम. जुनैद आई एम रियली सॉरी, मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे जुनैद से आज बात करनी है और आज ही सारी प्रॉब्लम्स हुई, यू नो. और जुनैद ये जो आप ग्लो देख रहे हैं ना इतना ज्यादा, वो सिर्फ आपसे बात करने की खुशी का है. हां जी, नॉर्मली इतनी वाइट नहीं दिख रही होती है, ऐसा लग रहा है कि मैक्सिकन शो पे कोई गोरी आई हुई है. ओह रियली? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, दिन की रोशनी में सामने रखा है इन्होंने. हां ऐसे लग रहा है सूरज निकला है इनके ऊपर. तो ये रमजान मुबारक आपको. सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि आपने इंजीनियरिंग की, देन आपने एमबीए किया और उसके बाद आप म्यूजिक वाली साइड पर आए, तो ये किस तरह आपने माइंड चेंज किया? यार देखें आप वो बात ना, डेस्टिनी किस्मत जो है आपको ले जाती है.
मैंने प्लान किया था मेरे फादर की जो विश थी वो थी कि मैं या तो गवर्नमेंट सर्विस में जाऊं कि फौज में जाऊं, मिलिट्री में जाऊं, सीएसएस में जाऊं, लेकिन मैंने एप्टीट्यूड ले लिया मदर साइड से, आर्ट्स मेरे अंदर थी तो मुझे मार्क्स जब आए मेरे तो इंजीनियरिंग लेवल तक मैं जा सकता था, मार्क्स अच्छे आए मेरे इंटर में, सो मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। फिर यूएटी से मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मैंने एमबीए किया, जॉब भी की मैंने काफी मल्टीनेशनल्स में मैंने जॉब की, लेकिन फिर वही बात है किस्मत आपको ले आई। और मैं म्यूजिक कर रहा था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के टाइम से, तो म्यूजिक करते करते फिर मैं एंटरटेनमेंट में इतना इन्वॉल्व हो गया, फिर जब मुझे एक्टिंग की जब मुझे प्रोजेक्ट्स आए तो फिर आई थॉट कि मैं बजाय इसके कि मैं अपने आप को दो कश्तियों का सवार करूं, मैं अपने आप को पूरा एंटरटेनमेंट में ही रखूं। तो एजुकेशन तो वैसे भी देखें आपको समझ बूझ देती है, बिल्कुल उसकी एप्लीकेशन आप चाहे फ्यूचर में पर्टिकुलरली ना कर पाए, लेकिन वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है, आपको इतनी आपके अंदर ताकत देती है कि आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त है। अच्छा तो मुझे ये बताइएगा कि जब आप छोटे थे तो आप कैसे थे, लाइक थोड़े नॉटी थे या फिर आप इतने क्यूट थे या नहीं थे, कैसे थे या फिर थोड़े शाय? बिल्कुल भी नहीं, बहुत शाय। मैं तो इतना शाय, इतना शाय बच्चा था, अभी भी हूँ, मतलब अभी भी मैं कभी कभार बहुत हाइपर भी हूँ तो वो लोगों की नजर में मैं नॉर्मल होता हूँ। मैं भी बहुत हाइपर होता हूँ लेकिन वो लोगों की नजर में होता है कि यार था आज तो ठीक था। तो मैं बचपन से खामोश तबीयत आदमी, अच्छा, और शरारती तो बिल्कुल भी नहीं, शरारती नहीं। वो बच्चे थे। स्कूल के जो टॉप दो तीन सामने की रोज होते हैं ना, तो उन दूसरी रो में था टॉप, इसलिए नहीं था कि मैं बहुत ही स्टूडियस था, जो कहते हैं हमारी जबान में थीटे जो होते हैं, जो बहुत हर्ड भी नहीं था मैं, पढ़ाकू बच्चे और पढ़ाकू इतना पढ़ाकू भी नहीं था, आई वाज अबव एवरेज, तो मैं दूसरी तीसरी रो का बच्चा था, दूसरी रो का। क्या बात, मैं समझ गया हम आपका बैक कैसा था। जबरदस्त जबरदस्त, कोई बचपन की कहानी नहीं है, बहुत ही मैं एक नर्वस किस्म का शाय किस्म का आदमी बच्चा जो कि स्टेज फ्राइट से भरा हुआ, और बस मार पड़ी आपको बचपन में मदर से या फादर से या बहुत डांट? अच्छा, इतना बीबा बच्चा क्या मार मैंने मौका ही नहीं दिया कभी किसी को, मौका नहीं दिया इतना, कभी कभी कोई डांट नहीं पड़ी, कभी कोई शरारत नहीं की आपने, बिल्कुल भी मैंने मौका ही नहीं दिया कभी किसी को, मतलब वो हुआ ना कि सेकंड रो में तो बैठते थे ये सब। जुनैद, आपके सिबलिंग्स थे आपके साथ में जब छोटे थे, आपके बहन भाई भी हैं या आप अकेले हैं? बिल्कुल हां बिल्कुल, मेरे बहन भाई जो है वो बिल्कुल नॉर्मल, भाई मेरा थोड़ा सा वो डेयरिंग, भाई मेरा डेयरिंग था, तो भाई डेयरिंग था, लेकिन मैं बस बिला वजह एक था कि वो बच्चे नहीं होते कि या उम्र से क्लास फेलोज मेरे अभी मिलते हैं तो मुझसे कहते हैं कि यार तू बचपन में क्या तू बहुत डरता था क्या? अच्छा। तू फौरन जब भी कहते थे चल वहां चलते हैं, वहां चलते हैं, तो तू कहता था कि नहीं नहीं नहीं, अम्मी अबू जो है वो कह रहे हैं कि जल्दी घर पहुंचो, तो क्या तुम्हारे अम्मी अबू इतने हिटलर हैं? मेरे अम्मी अबू तो बिल्कुल हिटलर नहीं है, शायद मैंने अपने ऊपर इतना तारीफ किया हुआ था सब कुछ। आप नेचुरली फरमाबरदार थे, नेचुरली फरमाबरदार थे। मेरे अम्मी अबू तो बहुत ही नॉर्मल और बिल्कुल भी उस तरह नहीं है हिटलर टाइप का कोई, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मैं बस इतना वो था काम सा और वो एक सहमा बच्चा था कि मैं खुद ही अपने ऊपर तारीफ कर लेता हूँ। तो फिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? आप स्टेज के ऊपर आप इतने ज्यादा लोगों के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं और टीवी पे आपको इतने लोग देख रहे हैं, तो इतना ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हुआ? यार कोई बात है, जब आपके अंदर किसी कोई चीज आपको फील होती है ना कि मेरे अंदर कमी है, तो आप पैशन भी ज्यादा होता है उस चीज को हासिल करने के लिए। तो मैं क्योंकि बहुत नर्वस बच्चा था, तो मुझे मेरे अंदर ये थी कि यार मुझे किसी ना किसी तरह इस चीज को खत्म करना है, तो मुझे शौक ये था कि मुझे लोगों के सामने परफॉर्म करना है, एक स्टेज फ्राइट मुझे खत्म करना था बचपन से। मुझे था कि मैं स्टेज में खड़े होके लोगों के सामने अपने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकूं, और उसके लिए मुझे मीडियम मिला म्यूजिक मीडियम मिला, और म्यूजिक में मैं चाहता था कि मैं कॉन्सर्ट में लाइव परफॉर्म करूं। Nice. लाइव परफॉर्म करने की मेरे अंदर जो थी वो एक नीड थी।
नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ये आपकी जुनैद, आप बहुत पॉजिटिव इंसान साउंड कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं कि आप किसी भी कमी को, किसी भी जो है डाउन साइड, कोई भी सिचुएशन हो, जैसी भी हो, आप उससे जो है सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिंगिंग से एक्टिंग की तरफ का सफर कैसा रहा? जी आ रही है, सिंगिंग से एक्टिंग की तरफ सफर कैसा रहा आपका? यार बहुत अच्छा रहा। मतलब मैं म्यूजिक में, मेरे ख्याल में 2010 की बात है जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी। सो 2003 से लेकर 2010, 7 इयर्स मुझे म्यूजिक में हो गए थे और मुझे एक्टिंग वर्ल्ड से आ रही थी, मुझे इनविटेशन आ रहा था, मुझे कराची से कॉल्स आ रही थी कि आप आए और करें। बट मैं क्योंकि लाहौर का लड़का था, सो मूविंग टू कराची वॉज अ बिग स्टेप, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि यार मैं कराची जाऊंगा और मैं वहां पर रहूंगा। तो लेकिन बस वो, आई थिंक वो, आई हैड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। I wasn't a risk taker at all, but I was very calculated throughout my life. Hamesha soch samajh ke step lene wala aadmi, but I think I followed my gut with this and I took a leap of faith and that's why I'm still here. Aapki calculation bilkul work kar gayi hai aur bahut acha faisla kiya aapne, thank you so much for that. Hamare audience ki taraf se bhi aapke bahut sare acche acche drama aaye hain, beshumar drama aaye hain, lekin main chahta hu jaldi se main jump kar dun kashf ki taraf, kyunki is waqt sab log jo hain wo uska craze bahut zyada hai. Kashf jab jis aur aata hai na, to main aur meri family bhi sabhi na, hum log foran baith jate hain yaar kashf aaye, ab kashf dekhna hai. To bahut acche kiya ki is bare mein hum thoda sa baat kare Junaid se, ki hum wahi karne ki kuch kar rahe hain. Ji तो जुनैद, जो कश्फ है बिल्कुल, उसमें आप एक तो इसकी जो थीम है वो बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर है। तो हम आपसे ये नहीं पूछे कि आगे क्या होने वाला है, डेफिनेटली, हालांकि बहुत से लोग हमें बताएंगे भी नहीं, बिल्कुल भी, नो स्पॉइलर्स एट ऑल। लोग बहुत उसके अंदर एंगेज हुए हैं। तो आपको अपना ये आपका जो रोल है उसको पूरा लग रहा है कि डिफरेंट जुनैद खान है जो नॉर्मल आपके हमने अब तक शोज देखे हैं, कि आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग का स्टाइल, टकिंग शर्ट और ये सारी चीजें, तो ये सब जो आपने रोल क्रिएट किया है, ये फिर से आपने किसके, आपके डायरेक्टर ने आपके साथ हेल्प किया है या आपने खुद इस तरह कुछ आइडियाज जनरेट किए थे? बिल्कुल, मैं जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मैंने अपनी तरफ से एक पर्टिकुलर उसकी टोन कंसीव की कि यार ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसके कपड़े ऐसा होना चाहिए। फिर मैं डायरेक्टर जब दानिश नवाज के पास बैठा, तो ऑफ कोर्स मेरी ये कोशिश होती है कि मैं डायरेक्टर के साथ बैठ के उसका आइडिया सुनूं कि उसने कैसे विजुलाइज किया है। तो दानिश ने मुझे बताया जी, तब मैंने अंडरस्टैंड किया कि डायरेक्टर क्या चाह रहा है। और मैं हमेशा डायरेक्टर की गट पे ज्यादा जाता हूँ, क्योंकि उसने पूरा एक फ्रेम अपने दिमाग में सोचा होता है। तो ये दानिश ने मुझे बताया था कि ये इसकी टोन, मैंने जरा थोड़ी सी भरम से रखी हुई थी टोन, मैंने चैट लिया था कि ये भरम से प्यार करेगा, ये अग्रेसिव होके प्यार करेगा, लेकिन दानिश ने कहा ये नहीं है अग्रेसिव, नहीं है, बहुत ही सहमा और बहुत ही प्यार में बिछा हुआ एक कैरेक्टर है जो कि प्यार करता है, प्यार से प्यार करता है और बहुत प्यार से करता है, बिल्कुल ये भरम से नहीं करता। तो और इसका गेटअप जो है, ऑफ कोर्स ये इस तबके से है, सो इसका गेटअप ऐसा होना चाहिए, इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। सो ये बिल्कुल जो कैरेक्टर जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल दानिश नवाज की पोर्ट्रेयल है। आई होप कि मैं बिल्कुल दानिश नवाज ने जैसा चाहा था मैं वैसा ही कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश में यही कि जितना डायरेक्टर ने, बिल्कुल मुख्तलिफ कैरेक्टर है ये, बहुत ही अच्छा। तो इसमें अभी हम कुछ इसमें ऐसी कुछ चीज देखेंगे जो आपके कैरेक्टर का बेसिक जो टोन है उसमें कुछ तब्दीली आएगी इन फ्यूचर, मतलब मैं कोई आपको स्पॉइलर ना दें, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया देखिए। देखिए कोर्स कैरेक्टर का ग्राफ तो होता है और इस कहानी में अप्स एंड डाउन्स भी काफी है, स्टैटिक कहानी कहानी है, काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो अप्स एंड डाउन्स जब आते हैं जिंदगी में भी आते हैं, जब अप्स एंड डाउन्स, तो इंसान के अंदर भी बदलाव आता है, बिल्कुल। तो ये एक हिंट मैं आपको दे सकता हूँ। वैसे तो हीरा मान ली हम लोगों को पहले ही बता दी थी जब उनको वो नाइट में आते हैं कि क्या होने वाला है, अब हमें भी पता चल गया कि आपकी शादी भी होने वाली है उनकी कजन से, तो वो हीरा मानी ऑलरेडी सब कुछ बता देती है। ये देखें अब आपके ये ख्वाब आपने देखे हैं, अब सच हो रहे हैं। हाँ जी, बट क्या पता वो अगले एपिसोड में ख्वाब फर्क देख ले। अब आपने कंफ्यूज कर दिया, उनके ख्वाब झूठे निकलने शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। क्यों नहीं, ये बताइएगा कि अगर आप सिंगर ना होते और एक्टिंग वाली साइड पे ना होते, तो आप किस साइड पे जाना चाहते थे? स्केचिंग का शौक था आपको?
मैंने देखा, मैंने स्केचिंग का शौक था, मैंने मैंने एनसीए में अप्लाई किया था, बस सिर्फ दो कैंडिडेट से मैं रह गया. Oh, no. तो मैंने आर्किटेक्चर का शौक था लेकिन वो नहीं हो पाया. फिर मैंने इंजीनियरिंग की, एमबीए किया, फिर उसके बाद मैं जॉब्स कर रहा था कंपनीज में. सो आई थिंक आई वुड हैव बीन डूइंग द सेम. मैं मार्केटिंग की जॉब्स कर रहा होता कंपनीज में. जुनून को बचपन से फॉलो करता आ रहा हूँ मैं. मेरे एरा के हम पोस्ट 2000 के जो म्यूजिशियंस हैं वो सब जुनून को फॉलो करते हैं. बिल्कुल. और मैं तो इसलिए, बिकॉज मैं तो जुनून के शोज लाइव देखता था एज अ फैन. और मैं इतना क्रेज था जुनून का और मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था जुनून से. तो मैं ऑफ कोर्स मेरे अंदर वो बिल्डअप अभी तक है जो आज की जनरेशन है वो चाहे ना समझ पाए बिकॉज उनके शायद हीरोज फर्क है. लेकिन मेरे दिमाग में जुनून द बैंड बहुत अच्छा दोस्त भी है. लेकिन ऑफकोर्स मेरे अंदर एक फैन भी है जो कि अली की बहुत रिस्पेक्ट करता है एज ए म्यूजिशियन भी, एज एन इंसान भी. तो जब हमने एक इस कोलैबोरेशन की बात हो रही थी, जुल्फी जो मेरा बैंड मेंबर है वो प्रोड्यूस कर रहा था शो को, रेड बुल साउंड क्लैश को. जब जुल्फी ने आइडिया दिया कि हम अली अजमत का एज ए वाइल्ड कार्ड हम उस शो पे परफॉर्म करेंगे अली अजमत के साथ, सो एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट ही और थी कि यार अच्छा अली के साथ परफॉर्म करेंगे, कौन सा गाना कर रहे होंगे हम. क्योंकि वो एक एक एक, एक ख्वाहिश थी कि यार इनके जुनून के गाने हम बंदा परफॉर्म करें ऑन स्टेज. और ऑफ कोर्स जब कॉल के साथ मैंने जुनून के गाने हमने कवर एज ए कवर भी किए, लेकिन जुनून का अपना एक बैंड मेंबर हमारे साथ परफॉर्म कर रहा हो तो उससे ज्यादा हम जैम कर रहे थे अली के साथ. जब मैं मिला अली को हम जैम कर रहे थे परफॉर्म करने का, तो हमने डिसाइड किया कि ये गाना करना है. तो ऑफकोर्स मैं नर्वस ही था क्योंकि अली के जो गाने हैं, जुनून के जो गाने हैं वो सिर्फ अली की आवाज को ही सूट करते हैं. अली के अलावा उनको कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता क्योंकि अली की आवाज की यूनिकनेस है, वो वही उन गानों को यूनिक बनाती है. तो मैंने कहा भाई ये बता दें क्या करना है. आप खुद ही बता दें क्या करना है. अली ने कहा नहीं देखो ये तुम्हारा गाना है और तुमने इसको परफॉर्म करना है. अच्छा. मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, तुमने क्या करना है. मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ. तो मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग बात थी कि अली ने बात की. तो जब हमने परफॉर्म किया तो वो एनर्जी सबने देखी. उस वक्त भूल गए थे कि हमारे सामने कौन है. we were just going crazy on stage. सही बात है. तो अली अजमत वैसे भी बड़े कूल किस्म के आदमी लगते हैं और डेफिनेटली बहुत से लोग यंग लोगों के साथ कोलैबोरेट आजकल कर रहे हैं. पीएसएल भी एक उसकी एग्जांपल थी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो चलिए, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे इस वक्त के अब जो है व्हाट नेक्स्ट. अभी कश्यप के बाद आपको क्या देखेंगे आप, एज अ सिंगर कोई प्रोजेक्ट आपका आ रहा है या एज अ ड्रामा में या एक्टिंग टीवी में फिल्म में सॉरी आप जा रहे हैं. फिल्म बिल्कुल कश्यप है. कश्यप के अलावा एक और प्रोजेक्ट है खुदा और मोहब्बत. उसका तीसरी इंस्टॉलमेंट है जो कि सईद बजात हुसैन डायरेक्ट कर रहे हैं. उसमें मैं हूँ, इकरा अजीज है, फिरोज खान है, तूबा सिद्दीकी है. वो है, वो काफी बड़ा जियो का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. वो है, बहुत एक्साइटेड उस बारे में. वो भी बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, टोटली डिफरेंट सेटिंग है. और वजाहत हुसैन भी एक ऐसी डायरेक्टर है जो कि आपके अपने खौल से निकालते हैं आपको. अच्छा. नया कैरेक्टर लेके आते हैं. तो मैं कंफर्टेबल से निकालते हैं. वो है. फिर एक फिल्म है जो हमने कहे दिल जिधर जो फिल्म है वो हमने शुक्र है कि इस पैंडेमिक से पहले हमने शूट कर ली. अच्छा, हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है. उसमें मैं हूँ, मंशा पाशा है. टीजर आया था, तीन महीने पहले एक टीजर आया था शायद ना. बिल्कुल, एक टीजर हमने रिलीज किया. हाँ जी, उसकी जो शूटिंग है वो शूटिंग
हमने कराची में और उसके अलावा नॉर्थ साइड पे कागान नारायण साइड पे हमने कुछ शूट किया और पाकिस्तान में शूट किया उसको और लेकिन बहुत हमने रियली हैप्पी विद द वे वी हैव डन द फिल्म. डायरेक्टर हमसे खुश है एज एन एक्टर, हम डायरेक्टर से खुश हैं. बस हम खुश होंगे आप सबसे. आई होप, आई रियली होप कि हमने जो सोचा था वो हमने बिल्कुल वही एज इट इज वो कंसीव किया है. अब बस वो एडिटिंग स्टेज पे है. अब वो आई होप कि अच्छी एडिट हो और आप लोग को जब हम सब इस क्राइसिस से बाहर निकलेंगे तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कब खत्म हो क्राइसिस और हम फिल्म को निकालें आप लोगों के सामने इंशाल्लाह. आई थिंक ये अच्छा गिफ्ट होगा इंशाल्लाह हम सब के लिए जब हम बाहर निकलेंगे. तो अभी कोरोना के सिलसिले में आप अपने हमारे हमवतनों को और बाकी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि ये थोड़ा मुश्किल वक्त है, इसको थोड़ा सब्र करें. आई थिंक मेरे ख्याल में एक आध महीने में हमें सिचुएशन सामने आ जाएगी हमारे के ये क्या है, क्यों है, क्या करना है इसका. तब तक हमें थोड़ा सब्र करना है कि अभी तक एक अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन है और किसी को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है. फर्क फर्क खबरें आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं खतरा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, सिर्फ बातें हैं. बट फिर भी हमें रिस्क जो है उसको नहीं लेना और हमें कुछ हद से सब्र करना है. आई एम श्योर वी विल बी आउट ऑफ दिस. अच्छा अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप तो कभी नहीं कहेंगी. इनको मुझे जबरदस्ती निकालना पड़ेगा चैट रूम से. नहीं आज अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई. आई रियली वांटेड टू टॉक टू हिम लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई. बट एनीवेज इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू जुनैद एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो मच यार. मतलब मुझे कनाडा जो है वो एक मुल्क है जहाँ पे मैं आज नहीं आया. मेरे सितारे अभी तक नहीं मिले कनाडा के साथ. और मैंने इस दफा तो सोचा हुआ था इस साल शुरू जो हुआ था तो मैं सोच रहा था कि यार अगर मुझे कनाडा का मुझे कुछ ना कुछ वीजा लगवा के पहुंच जाना बस. बिकॉज़ लेकिन आपने गलत ईयर में सोचा, 2020 में सोच लिया आपने. एग्जैक्टली मैंने सोचा और उसके बाद हो गया. लेकिन क्या बात है, मेरे बिल्कुल मेरी चेकलिस्ट में है टू कम टू कनाडा एंड वंस दिस इज ओवर आई विल कम देयर. और इंशाल्लाह जब आप यहाँ पर आएंगे तो हम सबसे आपकी जरूर मुलाकात होगी. जुनैद थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम. प्लीज स्टे सेफ. और हमारे तमाम ऑडियंस जो हमें सब देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और हमने इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है बल्कि इसके साथ हमने फाइट करनी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेव करना सबसे बड़ी बात यह है. आज हमारे साथ जुनैद खान थे. बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद का एक बार फिर हमारे साथ ज्वाइन करने का. आप सबसे इजाजत चाहेंगे. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू जुनैद. अल्लाह हाफिज़. खुदा हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.